हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी पार्ट वन के भौतिकी के पेपर फर्स्ट यांत्रिकी के अंतर्गत जो चैप्टर है सेंट्रल फोर्सेस और उसमें टॉपिक लेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सेंट्रल फोर्सेस को और किसी भी कण की सेंट्रल फोर्सेस के अंतर्गत जो गति होती है तो उसमें गति के समीकरणों को परिभाषित किया था और डेरिवेशन किया था। अब हम उस कण की गति के जो समीकरण है उसका उपयोग करके और जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसी तरह से ऊर्जा संरक्षण का नियम और क्षेत्रीय वेग के संरक्षण के नियम को प्रतिपादित करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कण की केंद्रीय बल के अंतर्गत गति का जो समीकरण है उसको हम लिखते हैं एम ब्रैकेट में आर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस टू डी आर बाई डी टी एंड डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। इस सवाले समीकरण को आर से हम अगर गुणा करते हैं तो अंदर आ जाएगा एम आर स्क्वायर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस टू डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म आ रहा है उसमें एम भी अंदर ले लेते हैं और हम इसको लिख सकते हैं डी बाई डी टी एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी समीकरण नंबर जो है वो 16 बन जाएगी। अब घूर्णन गति अगर कर रहा है कण तो कण का जो कोणीय संवेग होता है जे उसको लिखते हैं आई ओमेगा, ये हमारी समीकरण नंबर 17। इसी तरह से अगर जो कण है उसका स्वयं की अक्ष के सापेक्ष जड़त्व अगुण आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर और इसी तरीके से कण का जो कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। तो यहाँ से जो समीकरण 17 18 19 है ये परिभाषाओं से लिखी गई है और इसका उपयोग अगर हम समीकरण नंबर 16 में करें तो हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी आई ओमेगा या डी बाई डी टी जे इज इक्वल टू जीरो। अतः जे जो क्या होगा वो कांस्टेंट होगा। अतः केंद्रीय बल के अंतर्गत जो कण गति कर रहा है उसका कोणीय संवेग कंजर्व्ड रहता है। इसी तरीके से हम दूसरा लिखते हैं लॉ ऑफ इनवेरियंस ऑफ एरियल वेलोसिटी, क्षेत्रीय वेग के संरक्षण का नियम। तो क्षेत्रीय वेग को परिभाषित करते हैं, केंद्रीय बलों के प्रभाव में गतिमान कण की जो स्थिति सदिश है उसके द्वारा एकांक समय में प्रसर्पित क्षेत्रफल जो है वो क्षेत्रीय वेग कहलाता है और इसको डिफाइन करेंगे वी ए इज इक्वल टू डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। इसका प्रूफ देते हैं तो कोणीय संवेग संरक्षण का जो नियम लिखा था ऊपर वाले डेरिवेशन में तो डी बाई डी टी एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें जो है इसी इक्वेशन को 1/2m से गुणा कर देंगे तो डी बाई डी टी 1/2m एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा और d बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। अगर ये इसका अवकलन जीरो है इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर वाला पद जो है वो कांस्टेंट है तो 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम डायग्राम को देखें तो कण का जो त्रिज्यीय सदिश है r डी टी समय में जो त्रिभुज है ओ पी क्यू के क्षेत्रफल को पार करके ओ पी से ओ क्यू स्थिति में आ जाता है। तो अगर ये जो डी त्रिज्या जो डी थीटा है वो बहुत कम है तो उस स्थिति में त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल जो है डी ए इज इक्वल टू 1/2 आर और आर डी थीटा। और इसको हम लिख सकते हैं कि कण के त्रिज्यीय सदिश के एकांक समय में प्रसर्पित क्षेत्रफल डी ए बाई डी टी तो 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। अब हम प्रूव कर चुके हैं ऊपर कि 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इस तरीके से केंद्रीय बलों के प्रभाव में गतिमान कण का क्षेत्रीय वेग अचर रहता है अर्थात जो है केंद्रीय बल के अंतर्गत कोई कण गति करता है तो उसके द्वारा एकांक समय में जो प्रसर्पित क्षेत्रफल है वो समान रहता है। दूसरा लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में हम संवेग संरक्षण का नियम परिभाषित कर चुके हैं और उसका डेरिवेशन कर चुके हैं और इन सब के लिए हमने केंद्रीय बल के अंतर्गत कण की गति के समीकरणों का उपयोग किया है। तो अब पुनः केंद्रीय बल के अंतर्गत कण की गति का समीकरण लेते हैं और क्योंकि केंद्रीय बल संरक्षी होते हैं ये हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं इसलिए एफ आर इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे
तो एफ की वैल्यू रखने पर एम डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड में आएगा माइनस डी यू बाई डी आर। अब जे की परिभाषा से जे इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, सो डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू जे अपॉन एम आर स्क्वायर। ये हमारी समीकरण नंबर दो है और इसका उपयोग समीकरण नंबर एक में करने पर एम डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस एम आर जे स्क्वायर नीचे आ जाएगा एम स्क्वायर आर के पावर फोर माइनस डी यू बाई डी आर। अब एम से एम कैंसिल हो जाएगा इसमें बीच वाले टर्म में और आर से आर फोर को कैंसिल करेंगे तो यहाँ बच जाएगा जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब। अब हम एक प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि डी बाई डी आर वन अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन आर क्यूब होता है और इस पद का उपयोग ऊपर वाले समीकरण में करेंगे तो हम लिख सकते हैं एम डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर माइनस डी बाई डी आर जे स्क्वायर अपॉन टू एम आर स्क्वायर। यहाँ पर डी बाई डी आर जो डेरिवेशन है इसको हम अवकलन को बाहर लेने पर अंदर ब्रैकेट में बचेगा यू प्लस जे स्क्वायर अपॉन टू एम आर स्क्वायर। इस समीकरण को डी आर बाई डी टी से गुणा करेंगे तो एम डी आर बाई डी टी डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर और ब्रैकेट के अंदर यू प्लस जे स्क्वायर टू एम आर स्क्वायर। और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं तो डी बाई डी टी एम बाई टू डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी यू प्लस जे स्क्वायर अपॉन टू एम आर स्क्वायर। सभी पदों को लेफ्ट हैंड साइड में लाने पर डी बाई डी टी एम बाई टू डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस यू प्लस जे स्क्वायर अपॉन टू एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। इस समीकरण में जो फर्स्ट टर्म है क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो है इसका मतलब जो ब्रैकेट है उसके अंदर की टर्म कॉन्स्टेंट है तो जो फर्स्ट टर्म है वो लीनियर काइनेटिक एनर्जी को शो करती है, सेकेंड टर्म जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को शो करती है और थर्ड टर्म पोटेंशियल एनर्जी को शो करती है और इन सभी का जो एडिशन है जो सम है योग है वो कांस्टेंट रहता है और उसे लिखते हैं ई या टोटल एनर्जी। तो इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं कि केंद्रीय बल के अंतर्गत कण की कुल ऊर्जा अचर रहती है अर्थात गतिज ऊर्जा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लीनियर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन तीनों का योग कांस्टेंट होता है।